मूल्यों और सिद्धांतों और नैतिकता को मानने वाली पार्टी है और सिद्धांत को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा से सजग रहे हैं और बिहार की जनता के साथ हैं। प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए वह लगातार तत्पर हैं और पूरा उनका ध्यान बिहार के विकास पे लगा हुआ है। अच्छा, जहां तक अभी का जो प्रश्न है वह किसी खास मामले को लेकर जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटम जैसे शब्द का प्रयोग ना करते हुए हम यह कहें, उन्हें सलाह दिया गया है कि जो भी उनसे सवाल किया गया है या सीबीआई जो उन पे चार्जशीट दाखिल की गई है उसका वो जनता के बीच जाकर के जवाब दें। ठीक है, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ आपके यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कोई अल्टीमेटम वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और हमारा गठबंधन बढ़िया मजबूत है। एक बात साफ समझ में नहीं आती है, यहाँ पर कुछ और बात कही जाती है, दूसरी तरफ कुछ और बात कह दी जाती है, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है। अल्टीमेटम शब्द का प्रयोग न करके हम यह कह रहे हैं कि उन्हें सलाह दिया गया है कि वह जल्द से जल्द जनता के बीच अपने बात को रखें, जो उनसे सवाल किया गया है उसका जवाब दें। लेकिन जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति पे नीतीश सरकार हमेशा से चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। नीतीश कुमार ने स्वयं गैसल रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया था, जबकि वाजपेयी जी कहते रहे कि आप इस्तीफा ना दो। नहीं तो, लेकिन अभी तो परिस्थितियां कुछ और है ना, अगर अभी अभी नीतीश जी चाह भी लें तो वहीं लालू प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं देंगे इस्तीफा, इस्तीफे की तो बात यहां पर उठती नहीं है। जब एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो गई है तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाइए। जनता दल यूनाइटेड के दो मंत्री ने जैसे ही उन पे आरोप लगा, एक हाँ, रामाधार सिंह है, अच्छा, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। नहीं, लेकिन यहाँ बात कुछ और हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड पर लालू जी से मामला जुड़ा हुआ है, लालू के देश से मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ मामला गठबंधन का, उस गठबंधन की ओर देखिए, हमारी पार्टी के वो नेता नहीं है, वह आरजेडी के नेता है, उनकी पार्टी क्या निर्णय लेती है, वह क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद हम लोग हमारी पार्टी निर्णय लेगी।